हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं, हमारी पोयम है रंबल इन द जंगल के क्वेश्चन आंसर्स को। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एटीट्यूड ऑफ अ जिराफ। द जिराफ फील्स प्राउड ऑफ हिज लॉन्ग नेक एंड थिंक्स दैट When my head is in the air, then my cheek gets kissed by a cloud. ये जिराफ का एटीट्यूड था, उसको बहुत ही प्राउड फील करता था वो अपनी लॉन्ग नेक पे, और वो यही सोचता था कि जब भी उसका हेयर हेड है वो एयर में होगा तो उसके चीक जो है वो किस उसके जो क्लाउड है वो उसके चीक पे किस्ड करेंगे। क्वेश्चन टू, नेम द एनिमल्स मैंशनड इन द पोयम। The names of the animals mentioned in the poem are elephant, chimpanzee, mule and giraffe. अब ये वाले animals हैं जिनको poem में mention किया गया है। Question 3, write at least one quality about each animal mentioned in the poem. जितने भी poem में animal को mention किया गया है, कम से कम हर एक animal की एक quality को लिखना है। Elephant is a big animal, lion is the king of jungle, giraffe is the tallest animal and tiger is a terrible animal. What do chimpanzee do in the jungle? अब जो chimpanzee है वो जंगल में क्या करती थी? The chimpanzees swing through the trees. अब chimpanzees क्या करती हैं? वो कभी इस पेड़ पे झूलती हैं तो वो कभी उस पेड़ पे झूलती हैं। Who is the king of jungle? What happens when he opens his jaw? अब जंगल का राजा कौन है और क्या होता है जब वो अपने जा को खोलता है। लॉयन इज़ द किंग ऑफ जंगल। लॉयन जो है वो है किंग है जंगल का। व्हेन ही ओपन्स हिज जॉ द अदर एनिमल्स क्विवर शडर्स एंड शिवर्स। और जब भी वो अपना जा खोलता है, अपना जबड़ा खोलता है, तो जितने भी और दूसरे एनिमल हैं वो बिल्कुल डर से काँप उठते हैं, एकदम से डर जाते हैं। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर्स बहुत इजी क्वेश्चन आंसर्स थे और अच्छे से समझ भी आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अब तक के लिए बाय बाय।